भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया है। हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी का प्रथम व्याकरण डच भाषा 1698 में लिखा गया। इंटरनेट पर हिंदी का सफर रोमन लिपि से शुरू हुआ। हिंदी विश्व की एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। हिंदी भाषा का प्रकाश जाते हुए कक्षा साथी के साथ शुभम अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहा है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा से होती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। हिंदी भारत के 6 राज्यों की राजभाषा है तथा हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह संबद्ध भाषा है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें इसके विकास में योगदान देना चाहिए। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ।
अकेला अकेला चना बाजा। अरे दादाजी, आपने तो दोनों आलू की चटनी बना के एक नया मुहावरा पेश कर दिया, या कि मुहावरा है सोता चना बाजे चना, पर अब अकेले चना बाढ़ में नहीं बोल सकता। अब मैं मुहावरे की चटनी बनाऊं या रायता, तुम्हें उससे क्या, हमें तो खाने के मन कर रहे हैं। चाचा जी, आपने क्या कर दिया इन दोनों को, ये दोनों अच्छे कैसे हो गए? ये सर, मैं कुछ लोगों के सामने गलत मुहावरे बोलता गया और वे मेरे सारे मुहावरों को ठीक करते गए और इसी की वजह से उन्हें नए नए मुहावरे याद होते गए। अरे वाह चाचा जी, ये प्रयोग मैं भी करूँगा अपने विद्यार्थियों के। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते।